और हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। शायद इस बात को मजाक समझेंगे, लेकिन मैं 100% सीरियस हूँ। मैं 93 से नौकरी कर रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट सेंट में। मुझे ये बताया जाए, बिलावल साहब से मेरा स्पेशली ये क्वेश्चन है कि आपके मिनिस्टर आगा सराय दुरानी, शर्जील मेमन, जाफर ख्वाजा और इसके अलावा वो क्या नाम है उसका सखर का, सैयद नासिर शाह। सैयद नासिर शाह तो जो ना बाथरूम से जो ना तौलिया बांध के बाहर निकल आता है रिश्वत लेने के लिए। भाई 50 लाख रुपए, बिलावल भुट्टो साहब आपको मैं मुखातिब हूँ, 50 लाख रुपए पोस्टिंग के, 30 लाख रुपए मंथली दो। जो ऑफिसर 50 लाख रुपए पोस्टिंग देके जाएगा वो सबसे पहले जाके 1 करोड़ रुपए वहाँ से निकालेगा, क्यों 50 लाख उसको वो चाहिए। 30 लाख रुपए मंथली देगा मिनिस्टर को तो 30 लाख अपने निकालेगा, 60 लाख बोलेगा। बिलावल साहब आप मुझे ये बताओ, करप्शन कैसे ख़त्म होगी, सफाई कराची की कैसे होगी, कैसे जो है ना वो डेवलपमेंट होगी, ये ज़रा अपने मिनिस्टरों से तो पूछो। आगा सराज दुरानी का एक एक रुपए का हिसाब मेरे पास रखा हुआ है, मेरे पास चेक्स पड़े हुए हैं, मेरे पास पे ऑर्डर पड़े हुए हैं, मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जाफर ख्वाजा ने मुझे अगवा किया, उसके खिलाफ मैंने FIR दाखिल कराई हुई है। शर्जील मेमन का जो था पैसे लेने वाला वो जाफर ख्वाजा था, वो ही लेता था शर्जील मेमन का, जिसको आप सोने के ताज पहना रहे हो, उसके खिलाफ दुबई में केस दाखिल है लड़कियां सप्लाई करने का। बिलावल साहब आपको कह रहा हूं, अपने वालिद साहब से पूछो। मैं ऑलरेडी 2014 में रिज़ाइन कर चुका हूँ, अगर हिम्मत है इन प्रोटेस्ट मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट करो, पर नहीं करते 14 इंक्वायरी मेरे खिलाफ़ बिठाई है नैब में, एंटी करप्शन में। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मुझे क्लियर किया है। अगर बिलावल साहब आप जो है ना सच्चे पाकिस्तानी हैं, सच्चे पीपल्स पार्टी के बंदे हैं, हम जोक्यू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग यहाँ जो है ना 1200-1300 ईस्वी से कराची में आबाद हैं, हम झूठ नहीं बोलते मेरे भाई मेरे बच्चे। आप पूछो ज़रा इनसे, अब आगा सराज दुरानी से पूछो उसके घर को आग कैसे लगी, गड़ी को दब अपना गड़ी यासीन में जो उसने घर बनाया था, अटालियन टाइल्स, अरबों डॉलर वहाँ पड़े हुए थे, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं था, चल के खाकस्तर हो गया। अपने वालिद साहब से भी पूछो, शर्जील मेमन से भी पूछो, जाफर ख्वाजा से भी पूछो, और जो बाथरूम से टावल पहन के बाहर निकलता था पैसे लेने के लिए, मुझे तो शर्म आती है उसको सैयद कहते हुए, नासिर शाह को। मेरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था हजरतुल वदा पे कि किसी अरबी को अजमी पे फोकित नहीं है, किसी काले को गोरे पे फोकित नहीं है। तो मेरी नज़र में वो सैयद नहीं है, अच्छा इंसान वो है जिसके अमाल अच्छे हो। नासिर शाह मेरी नज़र में एक गंदा कीड़ा है और इस गंदे कीड़े को स्प्रे के ज़रिए मारना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब आप अपनी पार्टी को संभालो, राजा रजाक मैं जानता हूँ उसको, राजा रजाक को आप नहीं जानते। बिलावल साहब मेरे साथ पान की थैलियाँ लेके हाजी तेरू जोखे होटल पे पान की थैलियाँ बेचता था, 500 की थैली मैं बेचता था, 500 की थैली राजा रजाक बेचता था। आज राजा रजाक अरबपति है, कहाँ से पैसा आया, उसके बाप की कमाई थी क्या, पूरा मलिर बेच दिया, बैरिया टाउन बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया, DHA बन गया, टेस्टा टाउन बन गया,
बिलावल साहब मेरा खुदा गवाह है, हाँ आज के बाद आपको एक सीट भी नहीं मिलनी है। साजिद जोके तो गया, जाम साहब गया, किम बलोच भी गया, अभी ये सीटें जो है ना नून लीग वाले लेंगे, बैरिया टाउन से लेंगे और बीएचए से लेंगे, तैसे टाउन से लेंगे। हम तो गए अकलियत में भाई, हमारा कोई वो अमल दखल नहीं है। ज़रा इस पे भी अमल दरामद करो। मैं बेनज़ीर की शादी में शरीक था। आपकी वालदा की जब शादी हुई थी तो हम लोग ट्रक किराए पे करके जो है ना वो ककरी ग्राउंड गए थे लियारी में। आपकी शादी में वालदा की शादी मैंने अटेंड की है, मैं सच्चा जियाला हूँ। अगर बिलावल साहब आप भुट्टो बनोगे मुल्क तरक्की करेगा, आप जरदारी बनोगे। गया भैंस पानी में।